ट्राई। पाकिस्तान में इससे पहले ये काम नहीं हुआ हुआ कि एक वॉइस बेस्ड व्हीलचेयर डेवलप की गई हो। पैरालाइज्ड हैं, लाइक पोलियो के पेशेंट्स होते हैं या ओल्ड एज होते हैं, वो लोग नहीं मूव कर सकते, तो बेसिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है। ये 6 मंथ्स में ये कंप्लीट हुआ हुआ है। अगर पाकिस्तान इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपने खुद डेवलप करेगा तो उससे एक तो उसके इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसे बाहर से कुछ नहीं इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम रमला असगर है। बेसिकली मैं लियाकतपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं ISP की स्टूडेंट हूँ, BS कंप्यूटर साइंसेस की। जब मुझे ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया था तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं लड़की हूँ, कैसे एक हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट करूँगी। ये वॉइस बेस्ड ऑटोमेटिक व्हीलचेयर थी जो उन लोगों के लिए डेवलप की गई है, बेसिकली जो लोग डिपेंडेंट हैं, मूव नहीं कर सकते। राइट, बैकवर्ड। वॉइस बेस्ड ऑटोमेटेड व्हीलचेयर के थ्रू हम वॉइस कमांड्स देते हैं और उसके थ्रू पेशेंट कहीं पर भी मूव कर सकता है इंडिपेंडेंटली। सुपरवाइज़र ने बहुत सारा सपोर्ट किया। बैकग्राउंड में जितनी भी मुझे गाइडलाइंस दी जा रही थी वो सुपरवाइज़र की तरफ से दी जा रही थी। डॉक्टर आज़म मेरे सुपरवाइज़र थे। यहाँ अपने मामू के पास रहती हूँ, तो वो मेरे साथ मार्केट जाते होते थे, तो उनके साथ जाके मैं इसका सारा हार्डवेयर परचेज़ किया। ब्लूटूथ लगा हुआ है, जो इसका ब्लूटूथ है वो मेरे मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन है जो आर्डिनो के नाम से बिल्ड की गई है। उस एप्लीकेशन के थ्रू मैं वॉइस कमांड्स देती हूँ। अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद ही इस टाइप के बिल्ड करें। पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा, और इसके अलावा आप लोग इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसे इस लेवल पे लेके जाया जाएगा ताकि ये बाहर भी नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी मूव कर सके, लाइक रोड्स में या सिटीज़ में कहीं पर भी पेशेंट अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। हम जो इसको पावर दे रहे हैं वो सेल्स के थ्रू पावर दे रहे हैं, और वह सेल्स हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक लगा हुआ है, IR सेंसर लगा हुआ है। एक नई चीज़ मार्केट में लॉन्च होगी और दुनिया भी मानेगी कि पाकिस्तान में भी रोबोटिक पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस लेवल का सोच रहे हैं कि वो उनको पीछे छोड़ सकते हैं।